फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रणव और आप देख रहे हैं प्रणव ब्लॉग्स। मैं आज आपके लिए छोटा सा वीडियो लाया हूँ, जो मैं रिसेंट एक पल्सर 125 का नियोन का एक लिया हो, जो तेजपुर असम का एसके ऑटोमोबाइल से। ये देखिए इसका नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है, और इसमें पहले मेरा कैश मेमो देखा ले दो। देखिए कैश मेमो, ये एसके ऑटोमोबाइल्स बजाज ऑटो तेजपुर, ये मैंने कैश डिपॉजिट किया है 85,000। ये पहले तो डीलर वाला बहुत चीटिंग करता है। ये देखिए मेरा कैश मेमो, मनी रिसिप्ट। मैं देखिए बाइक कब ख़रीदा हूँ, 16/6/20, 85,000 ओनली। मेरे 100 रुपया भी कम नहीं, पहले 100 रुपया कम भी नहीं मानता है, तो बाद में मैंने थोड़ा कोशिश करके 175 रुपया कम किया है। ये इंश्योरेंस है, तो देखिए ये अब जब भी इसके साथ डीलर वाले कितना लूटते हैं हमने, इसके साथ थोड़ा ये दिया है चाबी के साथ, और मेरे को मेरे को अब जब भी पल्सर 125 नियोन का जो बाइक है ख़रीदने जाएंगे, तो आप ज़रूर देखें इस चीज़ का। मैंने मेरे को ठीक नहीं लगा, ये देखिए बहुत हल्का दिया है ये चीज़ वाला, ज़रूर इंस्पेक्शन कीजिए। ये देखिए बाकी सब ठीक ही लगा है, और ये देखिए ये थोड़ा ये होता है ढीला ढीला लगता है, इसको लगा। देखिए देखने में बहुत मज़ेदार स्टाइलिश है, स्टाइलिश बाइक है। मेरा ड्राम वाला लिया है, देखिए ये देखिए चलाना भी मस्ती है। डिस्क वाला को 96 हो जाता है, ये मेरे को 85,000 कैश डिपॉजिट किया है, काफ़ी अच्छा है देखने में, तो जो पल्सर लवर है वो ले सकते हैं। देखिए मेरा कितना किलोमीटर गया है, ये देखिए 169 किलोमीटर गया है, रनिंग किया है अभी, तो देखने में काफ़ी अच्छा है। इसका जो ये वाला अच्छा लगा मुझे, ये हीरो का मैं तो पहले इग्निटर लिया था, लेकिन पानी जो है ना, पानी घुस जाता है, इसमें पानी नहीं घुसा है, ये अच्छी बात है। तो पानी घुसने से बहुत टैंकी ख़राब हो जाता है। ये देखिए ये स्विच जो है अच्छा लगा है मुझे, देखो देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिया है, 125 सीसी में जितना कुछ दिया है बहुत ही अच्छा दिया है। ये देखिए डिजिटल मीटर क्लस, डिजिटल एक मीटर, और काफ़ी अच्छा लगता है देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। देखिए काफ़ी स्टाइलिश लगता है, देखिए ये ब्लैक, और मेरे को एक बुरा लगा
इसमें जो मैं नया बाइक लाया हूँ तो इसमें इंडिकेटर नहीं जल रहा है। देखिए एक इंडिकेटर शो जल रहा है लेकिन ये इंडिकेटर जल नहीं रहा है। ये मेरे को बहुत बुरा लगा है। ये लेफ्ट साइड का इंडिकेटर जल नहीं रहा, ये राइट साइड का इंडिकेटर ठीक है। देखिए ये ठीक है। तो आप ज़रूर जब भी बाइक ख़रीदने जाते हैं तो इस बात को ख्याल रखिए। काफ़ी स्टाइलिश है, अच्छा लगता है, तो आप बार्गेन भी कीजिए डीलर से। तो वीडियो मैं आज यही समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।